ये स्किनर ब्लॉग और ये मैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आए हैं मैक्स पेटीज लेने। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूं आपका प्यारा स्कैनर ब्लॉग वाला। आज कुछ फिर से कुछ ना कुछ स्कैन कर ही लेते हैं और आज हम लोग जाएंगे घूमेंगे आज राउरकेला। आज आप लोग को राउरकेला दिखाते हैं अपने ब्लॉग में और वीडियो में बने रहिए, वीडियो के एंड तक देखिएगा। हम लोग निकलते हैं आगे दोस्तों। अभी जो है हम लोग ले चुके हैं मनहरपुर वाला रोड और ये है घाटी वाला रोड, जो वन देवी माँ का मंदिर है रास्ते के बीच में, वो वाला रोड ले चुके हैं हम लोग और निकल चुके हैं आगे। और रास्ता तो पूरा साफ दिख रहा है, बारिश भी अभी बंद है, कल से तो बारिश नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग निकलते हैं आगे ऐसे ही बातचीत करते हुए आप लोगों से, और रास्ता का मज़ा लीजिए। रास्ता देखिए बिल्कुल चकाचक पूरा साफ है, लेकिन उधर वाला जो घाटी में उधर पेड़ उड़ गिरा हुआ था, तो इसीलिए अभी हम लोग इधर से निकलते आगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मनहरपुर, जो कि हमारे आगे वाले टाइम के बाद हमें मिलेगा। ये देखिए हम लोग अभी मनहरपुर पहुँच गए हैं और मनहरपुर का मेन मार्केट से होते हुए हम लोग गुजरेंगे, फिर हम लोग लेंगे राउरकेला वाला रोड। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए मनहरपुर मार्केट कैसा है। दोस्तों यही है मैं मनहरपुर का मेन मार्केट, इधर जो हम लोग का राइट साइड में मनहरपुर का रेलवे स्टेशन है और इधर ही से हम लोग अभी लेफ्ट लेंगे जो कि राउरकेला वाला रोड है। ये देखिए यहाँ से मैं टर्न लेता हूँ, भाई बहुत बड़ा गड्ढा है इधर, यहाँ से लेफ्ट लेके अभी हम लोग ने ले लिया है मनहरपुर वाला रोड। ऑटो में पूरा ज़बरदस्त भीड़ है, देखिए पूरा ज़बरदस्ती लोड किया गया है। यहाँ से बस इसे छोटा सा गाँव जैसे मिलेगा आप लोग को, यहाँ से जाना है। इसके बाद अभी एक ब्रिज मिलेगा, नीचे से एक नदी है, बड़ा सा नदी है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों ब्रिज कितना बड़ा है, नदी देखिए, पूरा बारिश की वजह से पूरा पानी पूरा लाल, पानी का कलर पूरा रेड हो गया है। देखिए बस ऐसे ही मिलते हैं आगे दोस्तों। अब दौड़ाते हैं गाड़ी को दोस्तों, अब आती अभी जो आगे में फाटक बंद हो गया, अगर आप लोगों को दिखता हुआ एक जो है मालगाड़ी पार हो रहा है डबल इंजन वाला, और इसीलिए फाटक में हम लोग रुके हुए हैं और निकलेंगे आगे धीरे धीरे। आज ज़्यादा थोड़ा गर्मी है और बारिश खत्म होने के कारण चारों ओर पानी भी है। गाड़ी चला चला के और गाड़ी में बैठ बैठ के भूख लग गई, सबसे पहले राउरकेला पहुँच के कुछ ना कुछ दबा के खाना है, उसके बाद घूमना है। और धूप भी अस्त थोड़ा ज़्यादा ज़ोरदार है दोस्तों। आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं हम लोग, बाइक में घूमते हैं इधर उधर, धूप में जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इधर देख रहे हो तुम लोग, धूप में घूम काला हो जा रहे हैं यार हम लोग, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम लोग निकल चुके हैं, अभी फाटक खुलने वाला है
और ये देखिए फाटक अभी खुलेगा। कोयला जा रहा है, कोयला जा रहा है। फाइनली गाइस, बहुत लेट वेट करने के बाद हम फाटक अभी खुल गया है, अभी हम लोग निकल सकते हैं आगे। बहुत लेट हो गया ऐसे भी, फाटक में ऐसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसीलिए अभी पिंटू चला रहा है बाइक, बहुत भयानक दौड़ा रहा है यार गाड़ी। चलिए जल्दी पहुँचते हैं अभी राहुल किला। पता नहीं गाइस इधर ओवरब्रिज बन रहे हैं या उस पर पुल बन रहा है, बहुत ज़्यादा रास्ता खराब है। फाइनली गाइस, हम लोगों ने ले लिया है अभी राउरकेला का रिंग रोड। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली राउरकेला। अभी हम लोग यहां से सेक्टर 2 से अभी क्रॉस करने वाले हैं। ये देखिए अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सेक्टर 2 के फील्ड के पास। और यहां पर देखिए गाइस, यहां पर दुर्गा पूजा का तैयारी अभी से हो रहा है। पेंडल वगैरह के लिए बांस जो है लगना है वहाँ पर लगा दिया गया है। ओ गाइस, अभी जो है ट्रैफिक लाइट रेड हो गया है, ग्रीन होने के बाद ही जाएंगे। आज तो पहले वहाँ पर भी लेट हो गया फाटक में, और अभी यहाँ पर भी आज लेट होना ही है। मतलब ये जो गाइस आप लोग आगे देख रहे हैं, यह है राउरकेला का बिरसा मुंडा चौक, जो कि राउरकेला का मेन चौक के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बिरसा मुंडा का जो स्टैचू है यहाँ पर लगा हुआ है, यह है बिरसा मुंडा चौक, जिसे लोग यहाँ पर बिरसा चौक या फिर बिरसा चौक कहते हैं। इधर जो है प्लांट जाने का रोड था, और इधर राइट साइड में बस स्टैंड और आगे में ट्रैफिक के। अभी हम लोग खड़े हैं नेक्स के बाहर, ले लेते हैं। देखिए ये स्कैनर ब्लॉग और ये मैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आए हैं मैक्स पेटीज लेने, पेटीज को पैक करवाएंगे। और पेटीज जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या है ना कि ये मिक्सचर बहुत अच्छा है। देखे कैसे मिक्सचर का टेस्ट करवाइए। इधर है आपका जो रोल होता है, रोल क्रीम रोल। नहीं, ये देखिए कैसा है, सब कुकीज कितना अच्छा था, स्वीट कुकीज। ये देखिए हम लोग मिक्सचर ले चुके हैं। सो गाइस, अभी हम लोग सब कुछ ले लिए नेक्स्ट से। देखिए ये 700 का पेटीज और मिक्सचर और काजू बिस्किट्स है, ठीक है। इधर जाने का रास्ता है स्टेशन रेलवे स्टेशन। ये दुकान वाली भी सोचती होगी कितना भुक्कड़ है कि दोनों को पेटी भर के खाना लेके जा रहे हैं। अभी निकलते हैं रूम की ओर, वहाँ पर थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। साइकिल है जो कि R15 है, इसमें ये यहाँ पर अलकेला में घूमता था जब यहाँ पर पढ़ाई करता था। अभी इसका टायर भी खुश हो गया है, साइकिल भी खुश हो गया है। चुके हैं, अभी थोड़ा देर करेंगे रेस्ट, क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के
पिछवाड़ा में दर्द हो रहा है थोड़ा देर, इसीलिए। ये देखिए गाइस कैसे पेटिस खा रहा है। गाइस मैं आपका प्यारा स्कैनर ब्लॉग वाला, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूँ और इसीलिए वीडियो में बने रहिए। आज मैं बहुत बड़ा एक राज खुलासा करूंगा। तो राज का खुलासा करने के लिए वो राज है क्या, आप लोगों को दिखा दूं? दिखाने के लिए शर्म आ रहा है लेकिन बोला हूँ तो दिखाई देता हूँ। आप लोग का जो स्कैनर ब्लॉग वाला है वो टकला हो चुका है पूरा, ऐसे ही मन किया था वो टकला होना चाहिए है कि नहीं। गाइस हम लोग जो है राउरकेला से निकल चुके हैं घर के लिए और शाम भी होने वाली है, इसीलिए गाड़ी को भगाते हैं और मिलते हैं सीधा अगले वीडियो में। बस अभी थोड़ा थोड़ा ही शूट करेंगे क्योंकि रात भी होने वाला है और रात का समय तो जानते हैं, थोड़ा पूरी तरह सूरज ढलने वाला है, इसीलिए गाइस अभी हम लोग भगाते हैं बाइक। आप लोग देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, इसीलिए डर भी लग रहा है। अभी हम लोग गाड़ी कंटिन्यू रखते हैं अब वीडियो को, और दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।